दोस्तों, तिरुपति लड्डू विवाद के मामले में सदगुरु जग्गी वासुदेव का एक बहुत बड़ा बयान आया है। आखिर उन्होंने क्या कहा है इस मामले में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में तिरुपति लड्डू की लड़ाई तेज हो गई है, जो कि विवाद चल रहा है। तिरुपति लड्डू प्रसाद विवाद से देश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा है कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में सीखने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा ये विवाद पैदा हो गया। उसके बाद लैब टेस्ट की रिपोर्ट आई, उसके बाद ये और ज्यादा हो गया है। दोस्तों, राजनीतिक बयानबाजी का कारण तिरुपति बालाजी का लड्डू बन गया है। अब लैब टेस्ट में भी तिरुपति बालाजी का प्रसाद को बहुत ज्यादा बताया गया है कि इसमें मिलावट होती थी इसके घी में। तो जगन सरकार के समय तिरुपति लड्डू में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होने की बात सामने आई है वहीं पे। तो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू को लैब रिपोर्ट के सबूत भी दिए गए हैं। दोस्तों, लैब रिपोर्ट में ना जानवरों की चर्बी, मछली का तेल पाया गया है। इस बारे में प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी दी जा रही है। इस बीच अब इस विवाद पर सदगुरु जग्गी वासुदेव का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर प्रसाद में बीफ टैलो मिलना बेहद ही ज्यादा बेकार चीज है, दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू मंदिरों का संचालन भक्तों द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि सरकार के शासन के अधीन होना चाहिए। दोस्तों, इसके आगे ना जो उन्होंने सोशल मीडिया पे ना सदगुरु ने लिखा है ना, वो बहुत ही ज्यादा और भी विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने लिखा, मंदिर के प्रसाद में जो जानवरों का ये चर्बी मिल रहा है, ये बेहद ही ज्यादा बेकार चीज है, घृणित हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा मन व्याकुल है। इसलिए मंदिरों का संचालन ना भक्तों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, ना कि सरकार के शासन। तो ये पूरी दुनिया से ये बात आ रही है। तिरुपति बालाजी ना एक ना बहुत ही बड़ा ट्रस्ट है, बहुत अमीर ट्रस्ट है, पूरे वर्ल्ड का सबसे जो अमीर टेम्पल है ना, जहाँ पे बहुत करोड़ों रुपए आते हैं दान में, जहाँ पे श्रद्धालु हर दिन कितने लाखों आते हैं। तो वो चीजें ना मंदिर को ना बहुत ज्यादा ना एक आस्था के साथ जोड़ देती है, सीधा सीधा ना भक्तों के जो कि आस्था के साथ खिलवाड़ का मामला है, जो कि अंधविश्वास करते हैं, जो मतलब जो भक्त दिन रात सेवा करते हैं, जो कि इतने दूर से दर्शन करने के आते हैं, अब ये खबर सुन के उनके दिल पे क्या बीत रही होगी वो पता नहीं ना यार, क्या चीजें। ये तो खिलवाड़ है ना, भगवानों के साथ खिलवाड़। भगवान को तो छोड़ दो यार, एटलीस्ट तुम्हें पैसा कमाने के जरिए तो घी का मिलावट जो करते हो करो, लेकिन भगवान के जो प्रसाद में तुम भेजते हो घी, उसमें तो ऐसी चीजों का मिलावट। और रिपोर्ट में तो यार ये बेहद ही शर्मनाक वाली बात है जो में चीजें आई है कि आप घी में क्या क्या देते हो, क्या क्या मिलाते हो यार, जानवरों की चर्बी, मछली का तेल, मतलब बहुत ज्यादा चीजें हुई है यार। ये चीजें ना बहुत ज्यादा मतलब ये बर्दाश्त करने वाली चीजें नहीं है। इसके लिए ना सख्त कानून बनाने चाहिए, एक टीम बनाओ, एक मतलब एक बनाओ जो कि इस बारे में जांच करे और भी तेजी से जांच करे, और जो भी इसके ना वो है जिन्होंने भी इस चीज में शामिल थे, जो भी साजिश में शामिल थे, पैसे बनाने के चक्कर में उन्होंने ये सब काम किया, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, तभी आगे चल के ना ऐसी चीजों में भगवानों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। भगवानों को तो छोड़ दो यार, मंदिरों को तो छोड़ दो ना, पैसा कमाने का और भी बहुत तरीका है, वहां से कमाओ, या भगवानों और मंदिरों को तो छोड़ देना चाहिए, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा मानना है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जो लैब रिपोर्ट की जो आई है ना, उसके बाद ना ये चीजें ना नहीं यार नहीं की जाएगी यार, ये सब बहुत ज्यादा, ये हिंदुओं का जो धैर्य है ना, ये एक बार में टूट जाएगा, जो मंदिरों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है यार। ये जो लाओ यार, कौन है ये बंदा जो घी दे रहा है, ये चीजें पहले ही टेस्ट होना चाहिए घी का जो भी आता है, क्योंकि इतने लड्डू बनते हैं, लाखों में लड्डू बनते हैं, लाखों में, और उस लड्डू को ना तुम बेचते भी हो, कमाते भी हो, और तुम ये चीजें मिला के खिला रहे हो, ये चीजें नहीं अब बर्दाश्त की जाएगी, ना ही बख्शा जाएगा, निर्दोष को जल्दी से ज्यादा सजा भी मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर।